व्यूअर्स, किचन लज्जत में आपका इस्तकबाल है और आज हम यहाँ तैयार कर रहे हैं ऑर्गेनिक किचन क्लीनर। जब लेमन सस्ते हो जाते हैं तो हम इसे ज़्यादा तादाद में मंगा लेते हैं और इसका रस जो है हम स्टोर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लेमन को स्टोर कर लिया है एक ग्लास की बॉटल में और इसके छिलके जो हैं इसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है, अच्छी तरीके से स्क्वीज करके बॉटल में मैंने इसे स्टोर कर लिया। देखिए सारे लीमू के छिलके मैंने यहाँ पर बचा लिए हैं और इससे मैं एक ऑर्गेनिक क्लीनर बनाऊंगी। तो आइए तैयार करते हैं। देखिए इसमें पानी डाल देंगे, पानी इतना डालिए कि छिलके अच्छी तरीके से जो है डूब जाएं। अगर कम है तो कम पानी डालिए और ज़्यादा है तो इतना डालिए कि पूरे इसमें डूब जाएं। और अब जो है गैस को हम ऑन करते हैं। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और अभी हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। देखिए अच्छी तरीके से इसमें बॉईल आ गया है। अब हम इसको पकने देंगे 20 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरीके से सारा जो इसका रस है ये इसमें रिलीज़ हो जाए। 20 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए और ये अब पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इसको अब हम छानेंगे। अब हम इसको स्टीन कर रहे हैं, स्टीनर रख दिया है हमने। अच्छे तरीके से मसल की जो है इसका पूरा रस निकाल लेंगे। देखिए इसके अंदर ये ऑर्गेनिक एक लिक्विड हमारे पास आ गया है जिसमें कि विटामिन सी है और सिट्रिक एसिड है। चिकनाई को साफ करने और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एक चीज़ हमारे पास आ गई है। इसको अब हम ठंडा होने देंगे। 1/2 kg के इतना ये लिक्विड हमें मिल गया है और अब हम इसको फैन के नीचे रख के ठंडा कर देते हैं। अब इसमें मिलाएंगे 2 tablespoons लिक्विड सोप। ये बर्तन धोने का लिक्विड है, इसमें मिला दीजिए अच्छी तरीके से। देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये घुल गया है और इसका बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया है। ये होममेड ऑर्गेनिक किचन क्लीनर बनके तैयार है और अब हम इसको फिल कर देते हैं एक बॉटल में। होममेड ऑर्गेनिक क्लीनर बनके तैयार है। देखिए व्यूअर्स, लेमन को हमने यूज़ कर लिया है, इसका रस यहाँ हमने ले लिया है। इस बॉटल में स्टोर करेंगे इसको हम फ्रीज़र में, जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने बनाया है एक ऑर्गेनिक क्लीनर जो कि हमने लेमन के छिलकों से बनाया है। इस रेसिपी को देखने के बाद अब अभी कभी भी आप जो है लेमन के छिलकों को डिस्कार्ड मत करिए, इसका बहुत ही अच्छा सा एक क्लीनर बना लीजिए बर्तन धोने में, स्लैब को साफ करने में, किचन के दरवाजे और जो कबर्ड्स के डोर होते हैं उन सब के लिए। इसके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए ताकि हमें इसका अंदाज़ा हो कि और लोगों को ये कैसे लगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैंने इस क्लीनर को इस बॉटल में भर लिया है जो एक्टिव डिश वॉश लिक्विड बॉटल है। ये खाली बॉटल थी और ये देखिए इतना सारा बन के तैयार हो गया है। जब हम इसको यूज़ करेंगे उस वक्त हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और फिर इसका हम इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमें दुआओं में याद रखिए और इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा इस रेसिपी से। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।